की एसीजेएम गरिमा सिंह करेंगी जांच। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और एक महीने के भीतर ये जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी। मौत की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बांदा की एसीजेएम ने आपको बता दें, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। गरिमा सिंह जांच करेंगी और ये लेटर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक महीने का वक्त भी दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुख्तार की मौत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हालांकि पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद लगातार परिवार की तरफ से और जो समर्थक है उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए और अब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। मौत, आपको बता दें, मुख्तार की मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बांदा अस्पताल में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया और इस बीच उसके बेटे उमर अंसारी की एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें उसने एम्स दिल्ली के डॉक्टरों से शव के पोस्टमार्टम की मांग की थी और ये चिट्ठी उमर ने बांदा के डीएम को लिखी थी। और आपको इस वक्त मुख्तार अंसारी पर 10 बड़ी खबर यानी कि ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। पहली बड़ी खबर जान लीजिए आप, मौत की न्यायिक जांच के आदेश, ये अपडेट इस वक्त आपके सामने। और दूसरी ये कि एक महीने में आएगी न्यायिक जांच की रिपोर्ट। तो मुख्तार पर 10 बड़ी खबरें, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई और इसके अलावा 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, 5 डॉक्टर्स के पैनल की तरफ से पोस्टमार्टम किया गया। परिवार ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और मुख्तार का शव सीधे कब्रिस्तान पहुंचेगा, घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी। इसके अलावा आपको बता दें जो 8वीं बड़ी खबर है, गाजीपुर समेत कई जिलों में इस वक्त उत्तर प्रदेश की धारा 144 लागू है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें सोशल मीडिया जिस पर रखी जा रही है पैनी नजर, प्रशासन की तरफ से कोई भी अफवाह किसी भी तरीके का ना फैलाए, माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज रात सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कल रात इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई और इसी के बाद मुख्तार की मौत को लेकर के कई सवाल उठे। अब हम आपको कल रात से लेकर के आज उसे दफनाने तक की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं कि कल वो वक्त क्या था। 25 घंटे बाद सुपुर्दे खाक किया जा रहा है मुख्तार अंसारी। कल रात को यह खबर आई 9:05 पर, जी न्यूज पर यह खबर देखी आपने, मुख्तार की मौत। और आज सुबह 11 पोस्टमार्टम भी कंप्लीट आपको बता दें शुरू हुआ था और अब पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है लेकिन ये पोस्टमार्टम जो है वो बांदा अस्पताल में हुआ। अब शव को बांदा से लेकर के गाजीपुर के लिए प्रशासन निकलेगी। बांदा से गाजीपुर की जो दूरी है वो तकरीबन 8 घंटे की है, 8 घंटा लगेगा प्रशासन को ये दूरी तय करने में। इसके अलावा आपको बता दें इन सब के बीच में न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए, एक महीने का वक्त दिया गया है और 8 घंटे के बाद यानी कि रात 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा डॉन मुख्तार अंसारी।